अंडा बिगड़ा जाए। पागल खाने में मैं एंटर हो गया हूँ। ये देखें सारे पागल आज यहाँ सोएंगे। इस घर में हम शूट करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद शेराम। और उम्र कितनी है? मेरी मामा से जाके पूछ लो। कैसा लग रहा है? आपके साथ वैसे ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये मेरा दोस्त हो गया जी, कल भी मेरे साथ रहा सारा दिन और आज भी फिर आ गया है। हमने सुना महफूज शेख साहब यहाँ से पढ़ के गए। थोड़ा जी जी बिल्कुल पढ़ के गए जी। वो महफूज शेख साहब यहाँ पढ़ गए थे। कल चले हाँ लपसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और ये मेरी एक नई लुक आप देख रहे होंगे। आपको पता है कि मैं ग्रीन टीवी का, ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक प्रोजेक्ट कर रहा था, जिसकी कुछ तस्वीरें मैंने शेयर की थी और उसी के अंदर ये एक ज़रा चेंज करके कर रहे हैं। और इस वक्त हम मंदरा के करीब एक गाँव है उसमें आए हुए हैं और हमारे प्ले का नाम है पागल खाना। और पागल खाना में हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने स्पेशल एक रिक्वेस्ट की है एक फिल्म स्टार साहिबा से और ये आ गई। तो उन्होंने कहा जी कि एक कैमियो दे दें। कैमियो कर रही हैं आप इसमें? बिल्कुल कैमियो कर रही हूं। तो ये इनकार नहीं कर सकी क्योंकि वो हमारे इससे पहले माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पे कर रहे थे, बड़ी बड़ी लोकेशन। तो उसमें एक खुल के आएगी ये वाली लोकेशन। हाँ। स्पेशल ये दिन को जब शूट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पागल खाना हमारे प्ले का नाम है। पागल खाने में मैं एंटर हो गया हूँ। ये देखें सारे पागल आज यहाँ सोएंगे और ये पागल, ये मेरी टीम है सारी माशाल्लाह। आतिफ हैं और असद हैं, ये कैमरामैन है हमारे, और ये एडी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये आपको पता ही है नहीं इकबाल हुसैन साहब, और ये हमारे जावेद भाई ये करता धरते हैं जी साहब। और ये स्पेशल आज इस लोकेशन पे इतनी ठंड में पैदल आए हैं और ये घर है जी, इसमें आज सारे पागल खाने, नहीं ये पागल खाने का सेट नहीं है, ये आपने सोना है यहाँ। जी जी। तो आज हम यहाँ पे हैं और अंदर दो रूम हैं, उसमें लेडीज़ होंगी और रैम्बो उधर ही होंगे। लेडीज़ में तो नहीं आता ना? लेडीज़ में नहीं आता, लेकिन मेरा कमरा तो मेरा पता नहीं किन्नू लगे हुए हैं। वो सुबह की लाइट में कैमरामैन साहब कह रहे हैं सुबह की लाइट में दिखाएंगे। सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और सुबह हम शूट करेंगे पूरे गाँव में। जी जी जी, पूरे गाँव में शूट करेंगे और 2 दिन है हम यहाँ इंशाल्लाह। तो साथ साथ रहिएगा, सुबह दिखाते हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये ज़रा मैसेज करके बताएं कि लुक कैसी लग रही है। मुंडा बिगड़ा जाए ओके। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो गई है जी, देखें हम कितनी जल्दी उठे हैं। अभी लाइटें बंद नहीं हुई, सूरज निकला नहीं और इन्होंने हुआ सबको। नाश्ते ले आओ भाई। शाह साहब आ रहे हैं जी, असद शाह साहब। हाँ जी शाह जी, नाश्ता किधर है? रास्ते में। नहीं तो यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है अपना बंदा। रास्ते में नाश्ता यार, मैं घर का नाश्ता करता हूँ, मैं ये बाजार वाला नहीं करूँगा। घर से ही आ रहा है। हाँ हाँ माल्टे किन्नू है, माल्टा है ये, माल्टा है जी, मौसमी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखेंगे। तो तुम लोग नाश्ते के बगैर किधर जा रहे हो? सर हम तैयारी, शूट। नाश्ता नहीं करना? नाश्ता हो जाएगा। शूट अब हम आएंगे तो करोगे ना? क्या करोगे अकेले? शूट किस पे करोगे? टीम जाएगी, लाइट सेट होगी। अच्छा ठीक है, पहुंचो चलें जी। ये देखें जी, मेकअप शुरू हो गया है। एसटी ये छोटे से बच्चे का मेकअप हो रहा है। ये मेरी बहन बनी हुई है जी सर। तो यार ये ड्रामे के बाद मैं साथ लेके जा सकता हूँ घर? हैं? मेकअप हो रहा है जी। मानूर मानूर के लिए नाश्ता आया है, ये अकेली खाएगी माशाल्लाह। 10 अंडे है और 15-20 ना पराठे हैं। मैं अकेली खाऊंगी, मैं शेयर नहीं करूंगी। ओके सही है। आप क्या नाश्ता कर रही हो? मैं ये ब्रेड है ये। अच्छा। और इसमें से उधार मैंने वो भी मैं खाऊंगी। अच्छा सेट पे चलते हैं। हाँ जी लोकेशन पे आ गए हैं। किधर है भैया हवेली? बस है नेड़े ही है। आ जाओ दिखाओ हवेली दिखाओ जी। इस घर में हम शूट करेंगे, प्रॉपर तैयारी हो रही है। हाँ जी तैयारी क्यों नहीं हुई अभी तक? तैयारी हो गई है। हाँ जी एक सीन हो चुका है और धूप बड़ी कड़ाके वाली है और ये पहली ठंडी धूप है जो धूप में खड़े होकर प्रॉब्लम नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है। तो सीन हम ज़ाहिर है वो दिखा नहीं सकते। हाँ जी क्या नाम है? मोहम्मद शेराम। स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? जूनियर मोंटेसरी। और उम्र कितनी है? मुझे नहीं पता ना। नहीं पता क्यों? तो फिर मैं क्या करूं? उम्र कैसे पता चलेगी? हैं? मेरी मामा से जाके पूछ लो। मामा से पूछ लूं जाके? तुम्हें क्यों नहीं पता? मुझे पता। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मैं ठीक हूँ। ये क्या है? जट्टी बनी हुई है जट्टी। हाँ जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली सर्दी का पहला दिन। वैसे आपके साथ वैसे ही अच्छा लगता है। थैंक यू। अभी भी हाँ अभी भी बहुत शुक्रिया। सो गया था। मेरी मैडम के साथ कर ले फील फ्री जो आपको दिल चाहे करें। थप्पड़ मारती है बहन को तो उन्होंने थप्पड़ मारा, दूसरा मारने लगे हाथ पकड़। बस हाँ वो तो क्लोज कट में एक बंदा मुझे पकड़ेगा वरना मैं मारूंगा। आप ये मारेंगे रजिस्टर करेंगे, आप लोगों को मारेंगे ये आगे से। तो मैं लगाएंगे ये ध्यान में रखना। आपने पकड़ना है, बट शॉट मारने हैं। हाँ जी पूरा दिन गुजर गया और 5:45 बज गए हैं। सूरज गुरूब हो चुका है और सुबह के 5 बजे से अब के 13 घंटे हो गए हैं। हमारे साथ पूरा गांव जाग रहा है, सब लोग शूटिंग्स देख रहे हैं। हाँ जी एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन है और हम निकल रहे हैं, चलते हैं जी। रास्ता वही है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको सेट पे लेके जाऊंगा। हाँ जी सेट पे पहुंच गए हैं और माशाल्लाह 8:45 बजे हैं और लड़के लाइट करके लगा के सब रेडी हैं। वेरी गुड। कह रहे हैं लेट हो गए। एसोसिएट डायरेक्टर कह रहे हैं कि लेट हो गए, अभी अभी कह रहे हैं लेट हो गए। वेरी गुड। वैसे डे में तो 12 बजे शूटिंग करते थे, अब 9 बजे भी लेट हो गए हैं सर। आउट ऑफ सिटी जब जाएं और खासतौर पे विलेज में जाएं तो सुबह शूट ना करें तो फिर फायदा नहीं है। हाँ तो कर रहे हैं, सुबह सुबह ही कर रहे हैं। दो और ये नाक की सीध, इसकी अलाइनमेंट रखते हैं। ये आपने उठाया जी, ये ठीक है। अब मैं यूँ भी कर सकता हूँ, नजर ही नहीं आऊँगा। आप वहाँ तक साथ जाएंगी, उनका हाथ पकड़ें, लाला जी आप चलें, स्कूल चलें। क्या हाल है? स्कूल नहीं है? क्या हुआ? 8 छुट्टियां दे दी हैं। क्यों? पेपर खत्म हो रहे हैं तो बड़े मजे आ रहे हैं छुट्टियों में। है स्कूल जाके मजा आता है या छुट्टियों में? ये मेरा दोस्त हो गया जी, कल भी मेरे साथ रहा सारा दिन और आज ये फिर आ गया है। इसकी मैंने तस्वीर इंस्टाग्राम पे भी लगाई है। ड्रामे में काम करना क्या करते हो? मानूर को देख के शर्मा रहा है। उधर उधर क्यों शर्मा रहे हो? मैं नहीं देखी। मानूर को दिखाएं जी, देख के शर्मा रहा है। मानूर है इतनी प्यारी। मैं नहीं देखी। देख लिया। अरे इधर आओ, इधर कितना शर्मा रहा है। मानूर जरा पास आओ। क्या फोटो पे ले रहे? बड़ा जोकर है। उनके साथ हो जाओ। क्या चाहिए आगे में बताएं? शर्मा रहे ये बड़ा जोकर है। हाँ बड़ा सेट पे मैडम साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम छोटे एक्टर हैं, जल्दी आ जाते हैं, ये आराम से आती हैं। बड़ी एक्ट्रेस हैं, इन्हें टाइम लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेडीज़ को वैसे ही टाइम लगता है। हाँ जी, तैयार होना होता है, मेकअप करना होता है, बाल बनने होते हैं। आपने तो कपड़ों में छलांग मारनी होती है बस। ला छलांग मारनी होती है कि पहली छत तो थले छलांग मारते हैं, थले कपड़े पे होंगे। गुजरा आप कल पहला दिन? पहला दिन काम में और बहुत काम किया कल, और आज भी काम का बड़ा प्रेशर है काफ़ी सारे से, क्योंकि आज ही ख़त्म करना है इंशाल्लाह। ठहर जाओ, रुको। रुकैया सदीक नाम है मेरा। रुको तो बचपन में मुझे मेरा मंगेतर कहा करता। ये भी कद्दू है, ये दूसरा है। हाँ हाँ, ये वो कद्दू है जो पीला हो जाए, पक जाए ज़्यादा, तो इसके अंदर से जो इसकी वो क्या कहते हैं, जाली जाली सी होती है, वो निकाल के उससे नहाते हैं। वो आपने देखा होगा वो चावा जिन्हों कहते हैं पंजाबी, ये देखें। लेकिन ये अगर ज़्यादा फुल ना पके तो इसे पका के भी खा लेते हैं, लेकिन चावा बनाने के लिए वो जाली सी, वो नहाने के लिए उस इसको बहुत पकाना पड़ता है। तो इतना तो मुझे भी पता है, मैं असल देसी आदमी हूँ। हाँ नमक नहीं तो चीनी में थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, नमक हम इधर से ले लेंगे। नहीं करेना। एक सीन कर लिया हमने। अच्छा कर लिया। चले हाँ लव सीन। बेगम साहिबा आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये आपको पता है ये किस चीज़ का खेत है? नहीं। ये मूंगफलियों के पौधे हैं, इनसे मूंगफलियां उतार ली गई हैं। वो ये देखें मूंगफली। हाँ तो है ना। वो सचमुच की। ये देखो जी, मैंने कहा ये पता नहीं ड्राई होती है शायद। नहीं नहीं नहीं, ये अभी अभी कच्ची है, इसको भूनना पड़ता है बाद में। अच्छा। ये अभी कच्ची है, ये दूध वाली होगी, और इससे अभी ये उतारेंगे। ये पौधे निकाल के यहाँ रखे हुए हैं और ये सूखेंगी। ये देखो, ये देखें जी, मूँगफलियाँ लगी हुई हैं सारी। ये इस एरिए में मूंगफली बहुत लगती है। ये देखें, ये आप खाएंगी तो आपको पता चलेगा। ये दूध वाली होगी, वो कड़क नहीं होगी, सॉफ्ट होगी। वो दे रही है मूंगफली। तो आज हमने आपको मूंगफली दिखाई है। हाँ। तो ये खिलाएंगे भी, खिलाएंगे भी। मैं अभी खा रहा हूँ ना आपकी तरफ से, मैं खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी, दूसरे दिन का भी माशाल्लाह गुजर गया। शाम होगी बल्कि रात पड़ गई है और टाइम हुआ है 8:15 बजे। तो हम अभी निकले हैं। ये मंदरा कौन सा गांव था जी? गांव का नाम सौडा था, लेकिन उनके दिल बड़े खुले थे। बहुत बड़े खुले थे और बहुत ही प्यार दिया उन्होंने, बहुत मोहब्बत दी और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। अपने घर हमारे लिए खुले छोड़ दिए, मूंगफली खिलाई हमें, मूंगफली खिलाई ताज़ी, दूध पत्तियाँ, ओह इलायची वाली दूध पत्तियाँ। गाँव वालों का बहुत शुक्रिया। ये कौन है? मेरे दिल ये पुकारे आजा, नहीं ये कोई और है। हाँ जी, आप ठीक है? नहीं, मैं कह रही हूँ गांव में ज्यादा खाना इसलिए खाया है। सबसे खा लिया 4 पराठे सुबह के, हाँ 2 पराठे नहीं। अब गांव वाले जब ये देखेंगे, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत मज़ा आया, बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने। 2 दिन हमने गुजारे और आज हम अभी यहाँ सीटी रोड पे एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं जिसका खाना बड़ा मशहूर है। कैसा आपने बताना है जी कि हमने कहाँ खाना खाया है। तो मैंने कहा ज़रा आपसे खुदा हाफिज़ कर लूँ, लेकिन अब जब ज़रा एक दफ़ा खाना आ जाए तो आपको खाने का भी दीदार करवाते हैं और उसके बाद हम उसे खाएंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। तो ज़रा इंतज़ार करें थोड़ा। इकबाल भाई, कितने बंदों का खाना मंगवाया है? 25 बंदों का। 24 बंदों का खाना मंगवाया। 24 के बाद इस लड़की के लिए 25, 26, 27 3 बंदों का खाना खाती है ये, माशाल्लाह। बताओ ना। नहीं नहीं, 27 बंदों का खाना मंगाए, मैं सही कह रहा हूँ। कितने ना? 27। हम 25 हैं, आपने 27 का मंगवाना है। सर अब 35 हो गए, इसके बाद ऑर्डर कीजिए। नहीं 35 बंदों का 8 नान जी, कोई डाउट नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक टेबल और लग गई है जी। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था खाना आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, खाना आया है, हम सब कुछ भूल गए। माशाल्लाह, ये देखें जवान बैठे हुए हैं, अन्नी मचा के रख दी है इन्होंने, अन्नी। और माशाल्लाह कैसा था खाना? आया तो होश ही उड़ गए, होश ही उड़ गए। तीसरा दिन है और आज हम एक स्कूल में आए हैं और ये जो है गांव इस्लामाबाद के पास ही है, भिमर तराड़ इसका नाम है। मैं कितना ज़बरदस्त पुराना बोर्ड है। और ये स्कूल है जिसमें हम आज शूट करेंगे, 1-2 सीन है। तो डायरेक्टर साहब निकल आए हैं, तैयारी पकड़ ली है। भिमर तराड़ गांव का नाम है जी। जी जी, इसके साथ पिंड मलका है, मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का, और ये सामने मज़ार भी है उनका। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल नज़दीक इसी रोड पे आगे जाएंगे। ओके ओके ओके। बेगम साहिबा को देखते हैं क्या कर रही हैं, सीन याद कर रही हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। सीन याद हो रहा है? जी जी, सीन याद हो रहा है, ज़रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ें आप, हम आपको बुलाते हैं फिर तैयारी करके। बहुत खूबसूरत स्कूल है जी, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। ऐसे स्कूल होने चाहिए। हमने स्कूलों को प्राइवेट करके छोटी छोटी गलियों में स्कूल बना दिए हैं। वैसे दिल कर रहा है कि बंदा यहाँ दाखला ले ले, पढ़े, दोबारा से यहाँ पढ़ना शुरू करे। दरख्त देखें, अरे वाह वाह वाह, बोड़ी बोड़ी बोर्ड का। हेलो बच्चों, छुट्टी नहीं हुई अभी, 12 बजे होगी। आगे जी सामान लेके आ रहे हैं। ज़रा ये आपको बोर्ड दिखाओ। आ हा 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 हा, वाह वाह वाह। इकबाल भाई, बोर्ड कितना खूबसूरत है, हैं? किसी स्कूल में ना महफूज शहीद साहब पढ़े हैं, मुझे मैं पता कर रहा हूँ यहाँ से, वो बता रहे हैं कि महफूज शहीद साहब की जो इब्तदाई तालीम थी, ये स्कूल है या साथ वाला है, मैं पता कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया अभी। अच्छा, वो भी भाई, ओए हो, ये कम से कम 200-300 साल पुराना तो होगा। बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है, 200 साल तो होगा, 200 साल कम से कम इसकी उम्र होगी। ये बच्चे आ गए हैं जी। अच्छा जी, बोर्ड का मैंने गलत बता दिया है, ये बोर्ड लगा है यहाँ पे हाजी मोहम्मद अफजल मरहूम साहब ने 1931 में। स्कूल जो है 10 जुलाई 1916 में इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन ये पहले किसी और जगह किसी घर में था, जस्ट एक कमरा था उस वक्त इसी जगह पे। जी जी, इसी जगह पे एक कमरा था। जी जी बिल्कुल, इसको डेवलप किया गया बाद में। हाँ हाँ, इधर फिर जो हाँ। इसको जो है ना बाद में फिर जो है ना पहले एक कमरा था, फिर इसको डेवलप कर करके पहले ये मिडिल होता था, मिडिल के बाद फिर मिडिल हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, प्राइमरी कर दी है। अच्छा, मिडिल बढ़ गया माशाल्लाह। जी जी, अभी वो मॉडल कॉलेज हमने सुना महफूज शहीद साहब यहाँ से पढ़ के गए थोड़ा। जी जी बिल्कुल, पढ़ के गए हैं जी, वो महफूज शहीद साहब यहाँ पढ़ गए थे। पहले ये होता था कि स्कूल में जो है ना स्कीम्स वगैरह होती थी आर्मी की, वहाँ से भर्ती होकर जवान जाते थे। अच्छा, तो महफूज शहीद साहब यहाँ से ही भर्ती होकर आर्मी में गए। माशाल्लाह, क्या बात है जी, बड़ी तारीखी जगह है ये।